तो सबसे पहले आप अपना फोन घुमा लीजिए, पूरी वीडियो हम देखेंगे किसके कितने पद हैं 2022 में। अब 21 वालों का फैसला आ गया है तो पहले 21 का रिजल्ट आ जाएगा, पद कौन सा चुने ये आसानी से तय हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, डिप्टी कलेक्टर वाला पद है 39, ये 18 अनारक्षित हैं, 8 अनुसूचित जाति के लिए, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग के लिए 10, EWS 3, PH ये महिला के साथ हैं, भूतपूर्व सैनिक 1 है, 93 DSP के हैं, 39, 19, 1, 25, 9, 1 और महिला के 18। इससे आगे चलते हैं, खंड विकास अधिकारी के 25 हैं, 12, 5, 6, 2, 00, 1-1, जिला पंचायती राज अधिकारी के 2, 2, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेसिक शिक्षा विभाग 1, 19 पद हैं, 9 अनारक्षित, 4 अनुसूचित जाति के लिए, बाकी का आगे का ये आप देख लीजिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 2 पद हैं, आरक्षण इसमें कोई नहीं है, मतलब दोनों प्रत नॉर्मल हैं। अधिशासी अधिकारी ये नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, या सहायक नगर आयुक्त नगर विकास, ये ग्रेड पे 5400 है, 2 पद हैं, दोनों अनारक्षित हैं। अधीक्षक कारागार ये भी नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, 3-3। उपनिबंधक निबंधन विभाग में 4 हैं, 1-1-1-1। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड उपभोक्ता संरक्षण बाट माप 1-1, 1 SC वाला है इसमें। कोषाधिकारी लेखाधिकारी 15, टोटल पद हैं 5 अनारक्षित हैं, 4 SC के, 5-1-3 महिलाओं के लिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी 6, जिसमें से 4 अनरिजर्व और 2 का कोटा ये है अत्यधिक पिछड़ा वर्ग। आगे चलते हैं, जिला कमांडर्स होमगार्ड, ये यहाँ से ये ले लो, अनुभाग इतना, पद 4 हैं, 1 अनारक्षित है। लेखाधिकारी नगर विकास विभाग 2 हैं, नॉट रिजर्व अनारक्षित कोई नहीं है। व्यवस्था अधिकारी ये 6 पद हैं, 4 अनारक्षित हैं, इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी रसायनज्ञ की। इसे समझा देता हूँ मैं आपको, MSc केमिस्ट्री वाला पोस्ट है ये, 2 अनारक्षित हैं। विशेष कार्य अधिकारी कंप्यूटर, अब भैया एक बात हमारी समझ में नहीं आई, जो कंप्यूटर का अधिकारी है तो काहे नहीं पूछे हैं ओ लेवल और PGDCA मुख्य परीक्षा में, बिल्कुल नहीं पूछे हैं, कैसे करेंगे फिर बता देंगे, पद खाली रह गया। कर निर्धारण अधिकारी 6 पद हैं, 3 पोस्ट नॉट रिजर्व हैं। जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के 4 पोस्ट हैं और 3 पोस्ट हैं अनरिजर्व। वेट अ मिनट, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 1 पोस्ट है और 1 रिजर्व है EWS के लिए। आगे चलते हैं, कुल 2 पद हैं जिला खाद्य विपणन अधिकारी खाद्य एवं रसद विभाग में, 7 पद हैं जिला पूर्ति अधिकारी के, सहायक जिला रोजगार अधिकारी के 15 पद हैं, व्यवस्थापक 22 पद हैं, आबकारी निरीक्षक के 10 पद हैं, प्रबंधक खादी तथा ग्रामोद्योग उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में 19 पोस्ट हैं, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी 12 पोस्ट हैं। ये जो लोग गारंटी से तैयारी करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं RMU में, फ्री का टेलीग्राम लिंक मैंने आपको दे दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आगे चलते हैं, इससे श्रम लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 5 पद हैं, प्राविधिक सहायक भू भौतिकी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय 2 पोस्ट हैं, नायब तहसीलदार के 53 पद हैं, 30 नंबर पे। और यहाँ एक बात और है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 1 पोस्ट और है, अब इसका सर्टिफिकेट लगवाया ही नहीं है, पूछा ही नहीं है कहीं, क्या किया जाए। ये पूरी पोस्ट डिटेल है 2022 PCS के लिए। चैनल से जुड़े रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय।